आज मैं आप लोगों को क्रिसमस ट्री का कैप बनाने जाने जो इस प्रकार आपका बनके तैयार होगा। इसको बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो इस बार आप चार्ट पेपर लोगे, फेविकोल, ईयरबड। ये ईयरबड का जितना बड़ा मैंने ये बनाया है उसमें 8 पीस लगा ईयरबड का पैकेट, और कलर और पेपर टेप, सीजर, ब्रश। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। ये मैंने स्क्वायर पेपर लिया है, इसको मैं फोल्ड करके इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसमें हमने जो पेपर टेप से इसको पेस्ट करके इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से नीचे से फिर कट करके इसको इस तरह राउंड सर्कल में बना लेना है। मैं इसे पहले से बना के तैयार कर रखी हूँ, फिर इसी को हम लोगों को ग्रीन कलर से, इसको बनने के बाद इसको ग्रीन कलर से हमें कलर करना है। इसको पूरे को ग्रीन कलर से हमें कलर करना है। कलर करने के बाद इसे इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। जो सूखने के बाद इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ईयरबड, ईयरबड को आप कैसे कलर करोगे। आप लोग ईयरबड कलर करने के लिए ग्रीन कलर में कलर एकदम थोड़ा और वाटर ज़्यादा मिलाओ, क्योंकि एकदम पतला, क्योंकि कॉटन है, कॉटन है जो कलर को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो वो है जो कलर आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। और वाटर आप मिला दोगे एकदम, देखो एकदम थिन है, एकदम पतला पानी जैसा है मेरा। इसको इस तरह से मैंने डिप किया, ये इस तरह से कलर हो गया। फिर मैंने इसको दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से इसको डिप करके इसको कलर कर लिया, और इसको सूखने के लिए, जब तक ये ना सूखे तब तक इस सूख यूज में नहीं होगा, सूखने के बाद आप इसको यूज में लेंगे। तो इसको सूखने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं, तो मैं इसे एक प्लास्टिक के ऊपर रख करके सुखा दूंगी। मैंने तैयार करके रखा है ईयरबड, कलर होने के बाद ये इस तरह तैयार हो जाते हैं आपके। फिर इन्हें आपको कट करना है, किसी बाउल वगैरह किसी चीज़ में भी आप रख करके इसको कट करेंगे। जो हमने जहाँ तक इसको ग्रीन कलर किया है वहाँ तक आप इसको, वहाँ से इसको कट करोगे। इस तरह से आपको इसको कट करना है, और ये चीज भी आप वेस्ट मत करिएगा। जो मैंने ये कटिंग है इसका, जो अभी मैंने कट किया है, ये पाइप भी आप रख लो। किसी समय मैं इस पाइप के द्वारा भी आप लोगों को कुछ बनाना मैं सिखाऊंगी कि इससे क्या बनेगा। इस तरह कट करके मैंने पहले से तैयार करके रखा है, ये इस तरह से कट करके मैंने तैयार किए। अब आप आगे इसके आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। इसमें अब आप लोग यहाँ, इसका ये पॉइंट है, यहाँ से आप लोग फेविकोल लगाओगे, और इस तरह आपको ये जो ईयरबड का नीचे वाला है कॉटन वाला हिस्सा उसको नीचे दोगे, और जो ऊपर पाइप वाला हिस्सा है उसको ऊपर करके इस तरह आपको पूरे में इसको लगाना है। पहला फर्स्ट लाइन राउंड इसको तैयार कर लोगे, उसके बाद आगे आपको सेकेंड राउंड फिर करना है। इस तरह से मैंने इसको करते हुए पूरा राउंड सर्कल इसका तैयार कर लिया। अब मैं इसमें सेकेंड राउंड भी लगाऊंगी, थोड़ा सूखने के बाद आप लगाओगी, क्योंकि अगर गीला में लगाओगी तो वो नीचे वाली है जो आपकी लाइन है जो हटने लग जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको आप है जो ग्लू गन के द्वारा भी आप चिपका सकते हो, मगर मुझे ग्लू गन से ज़्यादा इजी लगता है फेविकोल के द्वारा, तो इसीलिए मैं फेविकोल के द्वारा
इसको चिपकाती हूँ। इस तरह से करते हुए इसको पूरे को आपको कवर कर देना है, इस तरह से जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है, क्योंकि मैं अगर पूरा बनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस तरह से तैयार करके आप जो भी स्टार है आपके पास या डेकोरेटिव कुछ भी आइटम्स, इसको जितना आप सजा सकते हो उतना सजाओगे। इसमें मैंने एक स्टार लगा दिया ऊपर में और कुछ फैदर्स वगैरह है जो मैंने लगाया, लेस लगाए, आप जो भी लगा सकते हो, बेल्स भी लगा सकते हो, जो आपके पास मटेरियल हो आप उसके द्वारा इसको आप तैयार करोगे। और आपको कैसा लगा है वो आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करोगे और जो लोग कॉमेंट्स के द्वारा आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है, कुछ सीखना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ भी सजेशन दे सकते हो, मैं उसके द्वारा आप लोगों को सिखाऊंगी। थैंक यू।